नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं हूं आपका अजय सिंह। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूं। बीच में बहुत सारी व्यस्तता होने के कारण मैं ये ब्लॉग बना नहीं सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज जो मैं ब्लॉग बनाने वाला हूं वो मैं प्राणायाम योगा के विषय में बनाने वाला हूं। तो शुरुआत आज से मैं कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें योग प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल टीवी पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं और बहुत सारे योग ऋषि हैं, बाबा रामदेव हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बताते हैं कि आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं वो करते रहिए आप लोग इस कोरोना के पैंडेमिक के टाइम में, और योगा करते रहिए। तो मैं काफ़ी सालों से योगा कर रहा हूँ। मुझे पिछली लहर जब आई थी कोरोना के, तो अगस्त के लास्ट महीने में, सितंबर में मुझे भी कोरोना हुआ था, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन मैं उसके पहले से ही योगा करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हुआ नहीं। मैं सिर्फ 2 दिन ही हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मैं सीधा चला गया क्वारंटाइन सेंटर और वहाँ पर मैं क्वारंटाइन हो गया। 2 ही दिन में मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, मुझे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग योग करिए, और योग के जरिए हम कोरोना को हरा सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर हम अगर योग करते हैं तो हमें कोरोना होगा नहीं। अगर हुआ भी, किसी चांस से हो भी गया कहीं से, तो इसका हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और इससे किसी की जान नहीं जाएगी कोरोना से। तो दोस्तों, आप लोगों से सबसे निवेदन है कि खाने पीने पे ध्यान रखें और योग करें प्रतिदिन। तो आज कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा योग में। आज मैं प्राणायाम से शुरू करूंगा, जिसमें प्राणायाम जो है वो बहुत ही आवश्यक है, मैंडेटरी है, वो तो करिए ही करिए आप सभी लोग। और चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कृपया जब भी घर से बाहर निकलिए तो बिना मास्क के कोई भी मत निकलिए, मास्क लगाइए और दूसरों को मास्क लगाने के लिए भी बोलिए। किसी को भी अगर आप कुछ दिखता है कि आदमी मास्क नहीं लगाया, बराबर नहीं लगाया, कभी मास्क लोग दाढ़ी पे लगाते हैं, कभी मुंह पे लगाते हैं, नाक खुला रहता है, आधे लोग कुछ लोग गले में पहने रहते हैं, ऐसा नहीं। मास्क से हमारी सुरक्षा है, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज कुछ प्राणायाम से। तो मैं धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्राणायाम बताऊंगा और एक्सरसाइज के विषय में भी बताऊंगा, जितना मैंने सीखा है, जितना मैं जानता हूं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था, इसलिए आज मैं इसका शुरुआत कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति करते हैं। यह मिनिमम कम से कम 5 मिनट तो सबको करना चाहिए, अधिक से अधिक 10 मिनट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी कैपेसिटी हो आप कर पाएं, जितना आपके पास समय हो। कपाल भारती में सीधे बैठिए, गर्दन सीधी रखिए और कपाल भारती में सांस को नॉर्मल सांस लेते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं। पेट हमारा अंदर की तरफ जाना चाहिए। देखिए हमारी क्रिया में शरीर में कैसे हो रहा है। दूसरा भस्त्रिका, हम फेफड़े में सांस भरते हैं और फेफड़े से सांस बाहर निकालते हैं। जिनको हाई बीपी हो या उनको हृदय रोग हो या कुछ भी और सीने की बीमारी हो, तो आराम से करें, बाकी नॉर्मल आदमी कैसे भी कर सकता है। यह भी कम से कम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए, इससे हमारी श्वसन क्रिया अच्छी होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं, आपकी श्वसन क्रिया काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तीसरा है अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम की प्रक्रिया ऐसी है, हम एक नाक को बंद करते हैं, सपोज बाएं नाक से हमने सांस लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। इसको जल्दी जल्दी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कम से कम 4 से 5 सेकंड सांस लेने में आपको लगे गहरी सांस, और 4 से 5 सेकंड ही आपको सांस छोड़ने में लगे। जैसे आप देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा। ये 3 प्राणायाम मैंने अभी जैसे बताया आपको, कम से कम, नहीं ज़्यादा कर पाएं तो आप ये करें। 4th प्राणायाम है भ्रामरी, इस फिंगर को हम यहाँ रखते हैं, बाकी फिंगर्स को यहाँ अपने आँख जड़ में, और अंगूठे से कान को ऐसे बंद करते हैं। कम से कम 7 से 11 बार करें इसको। ये 4 हो गए। 5वां प्राणायाम उद्गीप, सांसों को, अपनी इंद्रियों को सांसों पर केंद्रित कर लीजिए, और फिर ओमकार का उच्चारण करना हमें। आज के लिए ये आप 5 प्राणायाम जो मैंने बताया, और भी प्राणायाम हैं जो मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में। और आज के लिए जो ये 5 प्राणायाम जितना मैंने बताया, अगर कम से कम, जो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इतना भी कर लें तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा। कम से कम आधा घंटा प्राणायाम, जैसे आपका जीवन में बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं, खाना खाना और नित्य क्रियाएँ हैं, इस तरह से इसको भी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, और बहुत सैकड़ों रोगों से आप दूर रहेंगे। ब्लड प्रेशर है, फिर आपका डायबिटीज़ है, फिर आपका आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तो आम हो गया, सबको हो रहा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं, खान पान, हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से ये सब हमें हो रहा है। तो सब लोगों से मेरी निवेदन है कि सब लोग प्राणायाम करें, फिर आगे भी हम और बहुत सारे योगा आसन के विषय में बताएंगे, और भी कुछ प्राणायाम हैं जिसके विषय में बताएंगे, जिसे आप लोगों को, हमें करने से बहुत सारे लाभ होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे हमारे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन संदेश आपको मिलता रहेगा, और आप हमारे वीडियो को देख करके कुछ भी जान सकते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ें, अगर हमारे वीडियो में कुछ भी आपको, हमें सलाह देना चाहते हैं, जा करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं और अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।